इस वक्त हम भाजपा के कार्यालय में हैं और आप जानते हैं आज का दिन क्या है। एसोसिएशन लीडर है वो यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। सतपाल शर्मा जी आपको सामने नजर आ रहे होंगे और तमाम तस्वीरें आपको इस वक्त इधर न्यूज नाउ के माध्यम से जो है वो बता रहे हैं और राजा हरीश सिंह जी को जो है यहाँ पर जो है वो चढ़ाए जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देखें, साथ साथ में अपनी राय को भी कमेंट सेक्शन में रखते रहे क्योंकि आप जानते हैं आज का दिन जो है, आज ही के दिन जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा जो है वो बना था। फिलहाल तमाम तस्वीरें आपको अपने चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, आप लोग अपनी राय को साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जो है वो रखते रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महाराजा विराट हरि सिंह जी, महाराजा विराट हरि सिंह जी, महाराजा विराट हरि सिंह जी, भारत माता की जय। देखिए इस वक्त आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी जो है भाजपा के कार्यालय में ये प्रोग्राम जो है वो करा जाता है। और इस वक्त आपको बता दें कि सतपाल शर्मा जी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, गोविंद गुप्ता जी की अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर है और अभी यहाँ पर झंडा जो है वो इस वक्त झंडाया जाएगा। फिलहाल तमाम तस्वीरें द न्यूज नाउ के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप लोग साथ साथ अपनी राय को जो है वो कमेंट बॉक्स में रखते रहे। भारत माता की जो है वो कमेंट बॉक्स में रखते रहे। आप जानते हैं आज का ही वो दिन है जिस दिन जो है वो भारत का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर है और आप जानते हैं पूरे और उसी के चलते हर साल जो है वो भाजपा जो है वो मनाया जाता है। और ये तमाम तस्वीरें आपको न्यूज नाउ के माध्यम से हम बता रहे हैं, आप लोग अपने राय को साथ साथ में सूची में जो है वो रखते रहे। आज पूरा जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर का दिन है। 1947 जब जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था, हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स 570 के लगभग पूरे भारत डोमिनियन के साथ या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ जो थी उनका समझौता हुआ था, उनका हिस्सा बने थे, उनका विलय हुआ था।
लेकिन जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद कुछ ऐसी स्टेट्स थी और खासतौर पर जम्मू कश्मीर, यहाँ का आज विलय दिवस हम सब मिलकर मना रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जिसके चलते ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पंजाब का रास्ता अगर हम लोग कहें भारत के साथ जम्मू कश्मीर का जुड़ाव नहीं था। उन दिनों में भी जम्मू कश्मीर में जो व्यापार होता था वो पाकिस्तान के माध्यम से, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके का एक वातावरण पूरे जम्मू कश्मीर में था, एक प्रॉपर रास्ता नहीं था जिसके चलते हमारा विलय जो था जम्मू कश्मीर के साथ विलय हुआ। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज ही के दिन 1947 में जो साइन हुआ, मेरा मानना है कि आज उसी उपलक्ष्य में हम सब मना रहे हैं। और हम लोग अभाव भी प्रकट करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, जिनके चलते 2020 में आज ही के दिन हम सबको ये इस दिन के ऊपर छुट्टी भी मिली थी। और महाराजा धीराज के चरणों में भी नमन करते हैं जिनके माध्यम से एक सेशन उस वक्त भारत सरकार के साथ जो था वो साइन हुआ। आज का दिन हम सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे अपने पूर्व डिप्टी सीएम के कविंदर गुप्ता जी के साथ, हमारी जिलाध्यक्ष रेखा जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आज यहां पर आकर ध्वजारोहण करने का मौका मिला है, महाराजा जी के चरणों में नमन करने का मौका मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। जय भारत, जय हिंद।